वेलकम टू सोनिया साइबर किचन, यानी कि आपका अपना किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए क्या सामान है हमारे काउंटर पे। आप कहेंगे है तो इडली स्टैंड, और इडली का कोई सामान नहीं है, साथ में रखा है हमने साबुदाना। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाने के पापड़, वो भी माइक्रोवेव में। फ्रेंड्स, ये पापड़ जो हैं नवरात्रों में लोग अक्सर खाते हैं, और वैसे भी हम खा सकते हैं। साबुदाना जो है लाइट रहता है बहुत, और खाने में ये पापड़ जो हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं माइक्रोवेव में साबुदाने के पापड़ बनाना। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जो हमारा ये स्टैंड होता है इसमें हमें पानी डालकर एक मिनट के लिए माइक्रोवेव करने रख देना है। फ्रेंड्स, वो मैंने रख दिया है माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए पानी गर्म होने के लिए। ये देखिए, जो साबुदाना मैंने लिया है ये सोक्ड साबुदाना है, ये मैंने 5 घंटे पहले भिगो लिया था। मैं आपको जो मेन इसमें है साबुदाना भिगोने की टेक्निक है, तो अगर आप साबुदाना इतना लेते हैं, ये देखिए अगर इसका लेवल इतना होगा तो पानी सिर्फ इसमें आप इतना ही लीजिएगा। देख पा रहे हैं आप, पानी का लेवल जो है साबुदाने से थोड़ा ही ऊपर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी में हम नहीं भिगोएंगे साबुदाने को, नहीं तो साबुदाना जो है हमारा ज़्यादा गल जाएगा। अभी देखिए ये बिल्कुल बॉल्स, अलग अलग एक एक बॉल है हमारे पास साबुदाने की। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना। इसमें करना क्या है कि जो भी आप अगर फास्ट के लिए बना रहे हैं तो उसमें नमक, व्रत वाला जो खाते हैं, ये मैंने यहाँ पर व्रत वाला नमक लिया है, वो इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और अगर आपको काली मिर्च डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या अगर आप लाल मिर्च खा लेते हैं व्रत में या वैसे बना रहे हैं तो आप लाल मिर्च या जीरा वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ सिवाय नमक के, ताकि ये जो इनका कलर है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो, और ये मार्केट में जैसा मिलता है बिल्कुल ही वैसे पापड़ बनके रेडी होंगे फ्रेंड्स। और ये पापड़ जो है अगर आप तल के रखेंगे तो अगर आप नहीं बताएंगे तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने पापड़ घर में बनाया है, और इकोनॉमिकली भी ये हमें बहुत ही चीप पड़ता है। ये थोड़े से साबुदाने में हमारे बहुत बढ़िया से ढेर से पापड़ बन जाएंगे। तो अब हम इन्हें ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से, जो भी आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं उसको थोड़ा सा लगा करके इस तरीके से सबको ग्रीस कर लीजिए। ये देखिए माइक्रोवेव भी सीटी बजा रहा है अपनी, माइक्रोवेव में हमने जो रखा था पानी वो भी हो गया, तो उसे भी निकाल देती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये मैंने ग्रीस कर लिया है इनको ऑयल से, और इसमें नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमें करना क्या है कि इन्हें हमें इसमें डालना है अपने स्टैंड में, और बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे हम, नहीं तो बहुत ज़्यादा भरेंगे तो पापड़ जो है वो बहुत मोटा सा बनेगा। हमें इन्हें बिल्कुल 1 स्पून ही इसमें आ रही है, और जैसे हम इडली बनाते हैं ढक करके वैसे हमें इन्हें बनाना है। तो इनको सबको फिल कर देंगे 1-1 स्पून इस तरीके से हम डाल के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पापड़ बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस अब हमारा इतना आधा काम तो अभी हो जाएगा, बाकी आधा काम जो है वो धूप में होगा या पंखे के नीचे। तो इन दिनों धूप अच्छी खासी निकल रही है, तो 2-3 दिन में जो है ये पापड़ बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो नवरात्रों में आप अपने घर के बने पापड़ खाइए, खिलाइए, तो आपको ये बढ़िया ही लगेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सब में फिल कर लिया है, बहुत ज़्यादा देखिए फिल नहीं किया है, सिर्फ 1-1 स्पून ही डाली है। तो इसको अब हम उसी स्टैंड में माइक्रोवेव करने रख देंगे सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। फ्रेंड्स, जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। तो रख देते हैं इन्हें माइक्रोवेव में। ये देखिए, रख दिया मैंने इस तरीके से, नीचे बॉटम पे जो पानी डाला था इसमें वो हमने गर्म किया था पहले 1 मिनट, और अब हमने इसको रख दिया, और अब इसको कवर कर देंगे। ये देखिए, कवर कर दिया मैंने इसको, जैसे कि हम इडली, नॉर्मल इडली बनाते हैं तो करते हैं। तो अब हम इसे 5 मिनट्स के लिए स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के लिए मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, ये कर दिया मैंने स्टार्ट। 5 मिनट में जो है हमारे पापड़ बन करके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे पापड़ बन रहे हैं माइक्रोवेव में, हम इस थाली को ग्रीस कर लेंगे, तेल लगा देंगे इसमें थोड़ा सा, इसमें हम अपने पापड़ को फैलाएंगे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, हम निकाल लेते हैं माइक्रोवेव में से पापड़।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, निकाल लिया इसको मैंने माइक्रोवेव में से। तो ये देखिए, इसको हम बस ऐसे लाइटली, ये जो स्पैचुला रहेगा इसकी हेल्प से, ये देखिए ऐसे उठाएंगे हमने, क्योंकि ग्रीस्ड किया था तो ये देखिए बिल्कुल ईजिली उठ जाएंगे, ये देखिए। और इसको हम ये जो ग्रीस्ड थाली थी इसमें रखते जाएंगे, ये देखिए बहुत ईजीली निकल जाएंगे। आप ऐसे जितने भी चाहें, मन चाहें आप पापड़ बनाएं। और अगर आप इसको कलरफुल करना चाहते हैं तो जो फूड कलर मिलता है मार्केट में आप वो डाल सकते हैं। मैं इसको वाइट ही बना रही हूँ, तो मैं तो इसको कोई कलर करने वाली नहीं हूँ, ताकि हम फास्ट में भी इसको खा सकें। तो अगर आपको डालना हो तो ग्रीन कलर मिलता है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, आप इसे कलरफुल कर सकते हैं। जितने में आप ऐड करना चाहें उतने में आप डाल दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी हमारे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें धूप में सुखा लेंगे एक दो दिन के लिए, और पापड़ हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दो दिन मैंने इसको अच्छे से धूप में सुखा लिया था, और आज तीसरे दिन भी धूप लगा ली थी। अब शाम का समय है, यानी तीन दिन मैंने इसको धूप लगा लिया, और देखिए पापड़ हमारे कितने बढ़िया से सूख कर, ये देख रहे हैं आप, इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि कितने बढ़िया कड़क पापड़ हमारे बन करके तैयार हैं। ये देखिए, अब मैं इनको आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्रेंड्स, तेल इसमें ज़्यादा अच्छा गर्म होना चाहिए ताकि पापड़ हमारे सही से फूलें। तो इसमें डालते हैं एक एक करके हम। फ्रेंड्स, मार्केट से तो हमें हर चीज़ मिल ही जाती है, लेकिन जो हम लोग घर पे बनाते हैं उस चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है। उसमें जो एक हमें खुशी मिलती है और जो टेस्ट, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये देखिए कितने बढ़िया से फूल रहे हैं हमारे पापड़। इसको हल्का हल्का सा आप प्रेस कर दीजिएगा, जैसे नॉर्मल पापड़ तलते हैं आप वैसे ही है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि घर में बनाए हैं तो हमें इसको किसी और तरीके से तलना है। और अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया सफ़ेद मोती दाने जैसे हमारे पापड़ बन करके तैयार हैं। किसी भी प्लेट में आप टिश्यू पेपर लगा लीजिए ताकि एक्सेस ऑयल रिमूव कर सके, और निकाल लेते हैं इन्हें प्लेट में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितने बढ़िया हमारे साबूदाने के पापड़ बन करके तैयार हैं। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ, ये आप इसकी क्रिस्प सुनिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पापड़ है। अभी ये थोड़ा गर्म लग रहा है मेरे हाथ में, ये देखिए कितना बढ़िया से क्रिस्प है ये। तो अगर आपके आपके पास माइक्रोवेव ना अवेलेबल हो किसी भी रीज़न से, तो आप इसे इडली स्टैंड में जैसे इडली बनाते हैं आप वैसे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, फटाफट से बनने वाले हमारे माइक्रोवेव में साबूदाने के पापड़? तो नवरात्रों में बनाइए, खाइए और खिलाइए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी और हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।